नमस्कार दोस्तों, मैं बीएल मंगावा एक बार फिर से मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, हम पिछले कुछ दिनों से पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित, और कक्षा 10 की गणित में हमने दो यूनिट कंप्लीट कर लिए हैं। दोस्तों, पहला यूनिट पढ़ा था हमने दोस्तों वैदिक गणित, और दूसरा यूनिट पढ़ा वास्तविक संख्या। आज यूनिट नंबर 3 लेकर चलते हैं दोस्तों। यूनिट नंबर 3 देखिए दोस्तों, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट है यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 है आपके बहुपद। पहले हम पढ़ते हैं दोस्तों बहुपद का एक सामान्य परिचय कि आखिर में बहुपद होता क्या है। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझ में आना चाहिए, मेरा मकसद आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, केवल पढ़ाना ही मेरा मकसद नहीं है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करना भी मेरा मेन मकसद है कि आप उसके बारे में जानो कि आखिर में है क्या चीजें। तो दोस्तों, बहुपद आखिर में है क्या, देखो जैसे मैं लिखूं a1x एक्स वन प्लस a2x2 प्लस a3x3 प्लस डैश 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 anxn, ठीक है दोस्तों। अब ये जो आपके पास में पद दे रखा है, इसको कहते हैं x के रूप में क्या, बहुपद कहते हैं दोस्तों। बहुपद का मतलब जिसमें एक से अधिक अचर पद, एक अचर पद की, देखो दोस्तों इसमें जहां ए क्या है, देखो वास्तविक संख्या है, a1 a2 a3 ये सभी क्या होती हैं दोस्तों, वास्तविक संख्याएं होती हैं। यानी कि जिसमें दो चीज साथ चलें, एक तो कोई वास्तविक अचर पद, अचर का मतलब जिसको बदला ले जा सके, जितनी भी हमारी संख्या है 1 2 3 ये सभी क्या कहलाते हैं दोस्तों, अचर पद। इसके अलावा दूसरा पद होता है चर पद, जैसे एक्स वाई जेड ये सब क्या होते हैं दोस्तों, चर पद होते हैं। तो जिस पद में हमें क्या मिले, एक अचर पद मिले और एक चर पद मिले, उसके घात के रूप में ये चले, वही क्या कहलाता है दोस्तों, बहुपद कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये होता है बहुपद की परिभाषा। यानी कि a1x1 प्लस a2x2 डैश डैश anxn ये क्या है, x के रूप का क्या है दोस्तों, बहुपद है। यहां अगर y लगा दूं तो ये किसके रूप का हो जाएगा दोस्तों, y के रूप का बहुपद हो जाएगा दोस्तों। अब देखते हैं बहुपदों के प्रकार, क्या देखते हैं दोस्तों, बहुपदों के प्रकार। बहुपदों के प्रकार में दोस्तों, बहुपदों के 3 प्रकार होते हैं मुख्य रूप से। कितने प्रकार होते हैं, 3 दोस्तों। 3 कौन कौन से, पहला होता है रैखिक समीकरण, रैखिक बहुपद, कौन सा दोस्तों, रैखिक बहुपद, ठीक है। दूसरा होता है दोस्तों कौन सा, रैखिक के बाद में होता है द्विघात, कौन सा होता है, द्विघात बहुपद। और तीसरा होता है त्रिघात बहुपद। देखना दोस्तों क्या है ये द्विघात त्रिघात और रैखिक बहुपद। सबसे पहले हम पढ़ते हैं घात क्या चीज है दोस्तों, घात क्या चीज है। तो दोस्तों ये x के ऊपर जो n का मान है दोस्तों, जिस n का मान, ये क्या कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है। यानी कि अधिकतम कितनी घात का ये बहुपद है दोस्तों। तो जिस बहुपद में x घात का मान 1 होता है उसको कहते हैं दोस्तों रैखिक बहुपद, अगर घात का मान 2 हो जाए तो उसको कहते हैं द्विघात, और घात का मान 3 हो जाए तो उसको कहते हैं त्रिघात। जैसे मैं द्विघात का एक कॉमन समीकरण आपके सामने लिखूं, a1x, देखो ax2 प्लस bx प्लस c = 0, तो ये क्या हो गया, एक द्विघात समीकरण का मानक रूप हो गया दोस्तों। किसका, द्विघात समीकरण का, यानी कि ax2 प्लस bx प्लस c = 0, जहां x की पावर क्या हो, अधिकतम क्या हो, बहुपद की घात क्या हो, 2 हो दोस्तों। ये था क्या, बहुपदों के प्रकार। अब बात करूं मैं बहुपद के मान की, कि बहुपद का मान क्या होगा दोस्तों, बहुपद का मान क्या होगा। तो अगर कोई बहुपद दे रखा है px बराबर, जैसे ये दिया हुआ था ax2 प्लस bx प्लस c, ये मान दे रखा है, अगर इसके बराबर में 0 रखता हूं दोस्तों तो ये बन जाता है समीकरण, और ये इतना था क्या हो जाता है दोस्तों, बहुपद। अगर इसके बराबर 0 रखते हैं, ये क्या हो जाता है, समीकरण। अब यहां पर x का जो मान रखूंगा, x का मान जैसे मैंने 1 रखा, तो ये क्या कहलाता है, बहुपद का दोस्तों मान होता है। यानी कि इसमें हर जगह क्या रखना है, x का मान 1 रख के इसका मान निकालना है, तो वो क्या जाएगा दोस्तों, बहुपद का क्या कहलाता है, मान कहलाता है। तीसरी बात होती है बहुपद के शून्यांक, सबसे मोस्ट और इंपॉर्टेंट बात है बहुपद के शून्यांक, बहुपद के क्या, शून्यांक। जिस पद से, यानी कि बहुपद का वो मान, ऐसे समझो दोस्तों, बहुपद का वो मान जिसको रखते ही बहुपद का मान क्या हो जाए, 0। यानी कि x का वह मान, ऐसे मान लो x का वह मान, वो मान जिसको रखते ही बहुपद का मान क्या हो जाए, 0। जैसे मान लो
ये आपके पास कोई बहुपद दे रखा है, ए एक्स वन प्लस ए एक्स वन प्लस ए एक्स टू प्लस, ऐसे कुछ भी कोई बहुपद दे रखा है, प्लस सी इक्वल टू जीरो ऐसे दे रखा है, या ए वन ए टू और ये ए थ्री कर दो दोस्तों। इसका मान अगर मैं बराबर जीरो, x बराबर मान लो मैंने कुछ भी रख दिया n बराबर, तो इसका मान अगर जीरो आ जाए तो ये क्या कहलाते हैं, x बराबर n बहुपद के शून्यांक कहलाते हैं दोस्तों। इसको अल्फा और बीटा से दर्शाया जाता है, किससे दर्शाया जाता है, अल्फा और बीटा से। अब मैं बात करूं इनका संबंध क्या होता है शून्यांकों का, दोस्तों संबंध क्या होता है, जैसे मैं गुणांकों का शून्यांकों और गुणांकों का संबंध लिखूं मैं बहुपद में, जैसे मान लो आपके पास कोई बहुपद दे रखा है द्विघात का, द्विघात समझना, द्विघात बहुपद में, अब समझेंगे हम, द्विघात बहुपद में गुणांकों व शून्यांकों के मध्य संबंध, शून्यांकों के मध्य संबंध, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक क्वेश्चन यहां से उठ कर आता है, वो पिछले जो पढ़ा हमने ये केवल परिचय था, उसमें से कुछ नहीं आता, यहां से एक क्वेश्चन उठ के आएगा कि गुणांकों और शून्यांकों के सीधा प्रश्न उठाता है। जैसे मान लो आपके पास कोई द्विघात समीकरण बहुपद दिया आपको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है दोस्तों, द्विघात का मतलब एक्स की अधिकतम घात क्या आ गई, दो आ गई। अब इसके मैं शून्यांक मान लू दोस्तों, इसके शून्यांक है, शून्यांक क्या है दोस्तों, अल्फा और बीटा है दोस्तों, अल्फा और बीटा, क्योंकि देखो जितनी घात है उतने शून्यांक होते हैं, या तो एक एक घात है तो शून्यांक एक होगा, दो घात है तो दो होंगे, तीन है तो तीन होंगे, ऐसे बढ़ते जाएंगे शून्यांक। अब मैं इसके गुणांक बताता हूं, देखो गुणांक कौन सी राशि कहलाती है, ए बी और सी, ये क्या कहलाते हैं, बहुपद के गुणांक कहलाते हैं, और इनका जिस पद के लिए, जिस मान के लिए बहुपद का मान शून्य हो जाए, जिस मान के लिए x के जिस मान के लिए बहुपद का मान शून्य हो जाए वो शून्यांक कहलाते हैं। अब मैं बात करूं कि बहुपद के गुणांक और शून्यांकों में क्या संबंध होता है, तो सुनना देख दोस्तों, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, का योग, यानी कि इसको क्या लिखूंगा मैं दोस्तों, यहां लिख रहा हूं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि शून्यांकों का योग किसके बराबर होता है दोस्तों, माइनस बी अपॉन ए, किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए। अब बोलो दोस्तों माइनस बी क्या है, बोलो यहां पर, यहां रखूंगा मैं तो माइनस बी क्या रखूंगा, एक्स की घात क्या है, एक है क्या, तो क्या लिखूंगा बोलो दोस्तों इसके कोष्टक में, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, ठीक है दोस्तों, यानी कि स्क्वायर एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं, एक्स का गुणांक, क्योंकि एक्स के साथ लगा हुआ है बी, और नीचे क्या है, ए किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का, तो नीचे लिखूंगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, समझ में आया होगा दोस्तों, यानी कि शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे हुए एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि ये बात और ये एक ही बात है, या तो ये समझ आओ कि ये एक्स स्क्वायर ये है तो इसके साथ गुणांक क्या है, बोलो ए है, और बी का मान क्या है, एक्स का गुणांक है, वो समझाने के लिए लिखा है। अब मैं लिखूं शून्यांकों का योग ताना, अब लिखूं मैं शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल क्या हो जाएगा दोस्तों, अल्फा इंटू बीटा, ये किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए, अब बोलो सी क्या आ गया यहां पर, तो सी देखो दोस्तों अंतिम में क्या देता है, अचर पद, सी क्या आता है दोस्तों, अचर पद, तो क्या लिखेंगे, अचर पद बटे हुए एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे हुए एक्स स्क्वायर का गुणांक। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप हल करके देखिए, आराम से यह समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है दोस्तों। तो पहले 3.1 में यहां तक ही इसका प्रयोग होगा, उसके बाद में विभाजन एल्गोरिथम पढ़ेंगे, फिर द्विघात समीकरण को अलग अलग तरीके से, अलग अलग विधियों से हल करने के तरीके आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम प्रश्नमाला 3.1 पर चलते हैं, ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। अब चलते हैं आगे आपकी प्रश्नमाला 3.1 में, देखो क्या दे रखा है, मैं फर्स्ट ही प्रश्न पढ़ता हूं, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यांक याद कीजिए, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले मैं क्या याद करूंगा, इनके बीच में दोस्तों इनका शून्यांक याद करूंगा, जैसे पहला ही समीकरण दे रखा है आपके पास, फर्स्ट का फर्स्ट दे रखा है 4x² + 8x, ठीक है दोस्तों, इसके क्या याद करने हैं हमें, शून्यांक याद करने हैं दोस्तों, और फिर क्या शून्यांकों के बीच संबंध याद करना है, ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों यहां से मैं शून्यांक याद करूं तो देखो कैसे याद करते हैं,
यहां में चार, यहां एक्स स्क्वायर है, यहां क्या है अकेला एक्स है, तो यहां से चार एक्स को कॉमन लेता हूं तो दोस्तों यहां क्या बचता है, और देखो चार इसके भी टुकड़े कर लो आप एक बार, चार गुणा एक्स प्लस आठ को क्या लिखूंगा मैं, दो गुणा चार गुणा एक्स। देखिए दोस्तों कॉमन संख्या कौन सी आ रही है, एक तो चार आ रहा है, वास्तविक संख्या में तो चार आ रहा है, एक्स यहाँ है एक्स यहाँ है, ये कॉमन आ रहा है तो यहाँ क्या बचा, दोनों चार और एक्स बारह आ गए तो क्या बचा एक्स प्लस, इधर क्या बचा दोस्तों चार एक्स बारह आगे तो क्या बचा अकेला दो बच्चा दोस्तों, ठीक है चार एक्स गुणा एक्स प्लस दो। अब मैं क्या करूं इसके बराबर, या तो क्या होगा दोस्तों, या तो चार एक्स बराबर जीरो होगा, समीकरण का मान जीरो लेना है ना, मैं इसका मान जीरो होना चाहिए बहुपद का मान, बोलो चार एक्स, एक्स चार का पक्षांतरण कराएंगे तो क्या हो जाएगा चार कहां चला जाएगा जीरो के भाग में, तो जीरो बटे चार बराबर क्या आ जाएगा जीरो, या तो यह होगा या दूसरा देखो क्या लिखेंगे बोलो, x प्लस दो इक्वल टू जीरो मानेंगे तो x बराबर क्या जाएगा दोस्तों माइनस दो, x बराबर क्या जाएगा माइनस दो, तो पहला शून्यांक क्या हो जाएगा अल्फा इक्वल टू जीरो और बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस दो। हम जांच करते हैं सत्यता की, क्या थी सत्यता बोलो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए ए माइनस सॉरी माइनस बी अपॉन ए होना चाहिए, ठीक है दोस्तों एल एच एस यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं, एल्फा प्लस बीटा जोड़ता हूं, एल्फा का मान जीरो और बीटा का मान क्या है दोस्तों माइनस के दो। देखो दोस्तों जीरो प्लस माइनस गुणा हो गया माइनस, तो जीरो और माइनस के दो क्या हो गया माइनस दो। आर एच एस यहां लिख रहा हूं दोस्तों, आर एच एस में क्या है माइनस बी अपॉन ए, बी का मान देखो ये ना, ये है हमारा द्विघात समीकरण, ऐसे लिखेंगे इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये होता है इसका मानक, तो यानी ए की जगह क्या रहे दोस्तों चार, बी की जगह आठ और सी की जगह क्या है दोस्तों जीरो, कुछ नहीं है इसका मतलब क्या है जीरो है, तो ए की जगह हमें क्या रखना है माइनस बी, तो माइनस बी इसका मतलब आठ है प्लस के, तो माइनस के आठ क्योंकि चिन्ह आगे माइनस का लगाना है, बटे में ए, ए का मान क्या है चार, चार का भाग आठ में दोस्तों दो बार और चिन्ह किसका आ जाएगा माइनस का, ठीक है दोस्तों अल्फा प्लस बीटा सीधा हो गया। दूसरा देखते हैं हम अल्फा गुणा बीटा क्या होता है दोस्तों, सी अपॉन ए, एल एच एस देता हूं पहले मैं, एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान जीरो गुणा बीटा का मान माइनस दो, अल्फा को माइनस दो से गुणा, जीरो को माइनस दो से गुणा किया तो क्या आ गया जीरो। आर एच एस देखो दोस्तों सी अपॉन ए, सी देखो दोस्तों इसमें कुछ नहीं है, इसका मतलब जीरो में रखेंगे तो जीरो बटे में एक का मान चार, तो जीरो में चार का भाग देंगे तो क्या जाएगा दोस्तों जीरो। मेरे हिसाब से आपको ये जरूर समझ में आया होगा क्योंकि सत्यता की जांच भी हो गई और शून्यांकों का मान याद करना भी बहुपद का मैंने बता दिया दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, एक दो बार अभ्यास कीजिए दोस्तों, आराम से समझ में आएगा। एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेता हूँ इसी में से, फर्स्ट का जैसे मैं छठवां क्वेश्चन ले रहा हूँ इसको रब कर रहा हूँ दोस्तों मैं, आगे देखो एक क्वेश्चन और लेता हूँ फर्स्ट का, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन बताता हूँ ताकि आपको आराम से समझ में आए, आराम से घर बैठकर आराम से मस्त पढ़ाई कीजिए दोस्तों, और जो भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट में आसानी से लिखे, मैं जरूर जवाब दूंगा आपके कमेंट का, इंतजार करता हूँ कि आप कब कमेंट करो, लेकिन दोस्तों आप कोई कमेंट करते ही नहीं हो, कोई डाउट नहीं रहता है आपके, देखिए दोस्तों और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करते रहिए दोस्तों, क्योंकि मेरी तो यही पूंजी है कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। तीन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस चार इक्वल टू जी, ये है मान लो बहुपद, छठवां दे रखा है दोस्तों। अब इसका मान किसके बराबर होना चाहिए दोस्तों, जीरो के बराबर होना चाहिए, ये मैंने पहले कहा है। देखो इसको मैं गुणनखंड विधि से हल कर दूं, यानी कि बीच वाले के ऐसे टुकड़े करो कि दोनों के गुणा, ऐसे सवाल को देखो गुणनखंड से कैसे हल करते हैं, गुणनखंड बहुपद की द्विघात समीकरण में। अब देखो ये जो बाहर वाली राशि है एक्स का, इस स्क्वायर का मान और सी का मान, इनका गुणा बीच वाली संख्या के गुणांक के टुकड़े करेंगे उसके बराबर होना चाहिए और जोड़ बीच वाली संख्या नहीं चाहिए। जैसे मान लो तीन एक्स स्क्वायर को मैं गुणा करूं माइनस चार से, गुणनखंड से हल करना बता रहा हूं, तो क्या हो रहा है दोस्तों बारह एक्स स्क्वायर आ रहा है माइनस का, तो बीच वाली संख्या के ऐसे टुकड़े करो कि गुणा तो क्या आना चाहिए दोस्तों माइनस के बारह एक्स स्क्वायर आना चाहिए और जोड़ वापस क्या आना चाहिए माइनस का एक्स। तो दोस्तों मैं ऐसे लिखता हूं प्लस के तो तीन एक्स और माइनस के चार एक्स। अब देखो दोस्तों टुकड़े हो गए, देखो तीन एक्स को चार एक्स से गुणा करेंगे तो चार तीन बारह एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस गुणा हो गया माइनस और जोड़ करोगे तो प्लस के तीन कम हो जाएंगे माइनस के चार में, तो क्या बच जाएगा माइनस का एक्स। तो क्या टुकड़े लिखूंगा मैं, तीन एक्स स्क्वायर माइनस तीन एक्स सॉरी प्लस तीन एक्स माइनस चार इक्वल टू जीरो। देखिए दोस्तों कोई प्रभाव नहीं पड़ा है बहुपद पर, टुकड़े गुणनखंड में ऐसे ही होते हैं कि बहुपद में पर कोई प्रभाव न पड़े।
वापस देखो, वापस इसको एडजस्ट करेंगे तो देखो 3x वापस घटेगा 4x में, तो माइनस का x बचेगा। कोई फर्क पड़ा गया इस पर? नहीं पड़ा। देखते हैं दोस्तों, अब देखो इसमें से 3x स्क्वायर है, 3x है तो मैं 3x को कॉमन लेता हूं दोस्तों। यहां क्या बचा दोस्तों? x बचा अकेला, प्लस यहां से 3x पूरा ही उठ के बाहर चला गया तो क्या बचा? 1। ठीक है दोस्तों, माइनस। अब यहां देखो 4x है, यहां 4 है तो मैं 4 को ही कॉमन ले लेता हूं दोस्तों, तो यहां क्या बचा? x। ये प्लस माइनस गुणा हो के क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस माइनस गुणा हो के क्या हो जाएगा? प्लस। 4 बाहर चले गए तो उसकी जगह क्या रखेंगे हम? 1। इक्वल टू क्या? 0 होना चाहिए बहुपद का मान, शून्यांक याद करना है तो। अब देखिए दोस्तों यहां पर क्या हो रहा है, इस गुणनखंड विधि को याद कर देखना है कि हमारा सही है या गलत है। ये क्या तरीका है? दोनों ब्रैकेट का मान क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। अब दोस्तों इसमें से एक तो क्या लेते हैं, ब्रैकेट x प्लस 1 और एक जो बाहर राशि बच गई 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है यहां पर दोस्तों, शून्यांक याद करने हैं तो एक बार इसको 0 के बराबर कर दो, एक बार इसको। तो क्या लिखूंगा मैं, या तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर माइनस 1, या दूसरा क्या लिखूंगा दोस्तों, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस के 4 पक्षांतर में जाएंगे तो प्लस के 4, और x बराबर क्या हो जाएगा, 4/3। ठीक है दोस्तों, तो अल्फा बराबर माइनस 1 और बीटा बराबर क्या रखूंगा, 4/3 दोस्तों। ये क्या आ गए? शून्यांक आ गए। अब क्या जांच करनी है? सत्यता की जांच करनी है दोस्तों। सत्यता की जांच करेंगे तो पहला ही क्या था, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। LHS लेता हूं मैं पहले, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान क्या है दोस्तों, माइनस 1, प्लस बीटा का मान क्या है, 4/3। ठीक है दोस्तों, LCM ले लूं मैं, क्या आ गया, 3, 3 एकम 3 माइनस के, प्लस के 4 एकम 4, किसके, प्लस के, बोलो क्या हो जाएगा, माइनस के 1/3। ठीक है दोस्तों, सॉरी प्लस के 1/3, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है, प्लस की। अब मैं बात करता हूं RHS की, क्या देर का है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, बी का मान देखिए दोस्तों, ये रख रहा हूं मैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहां देखो बी का मान क्या है, एक्स किससे गुणांक में, कोई राशि नहीं है तो एक मानते हैं, तो माइनस का 1/ बाहर लगेगा दोस्तों, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1/3। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं अल्फा गुणा बीटा, क्या हो जाएगा, अल्फा गुणा बीटा, अल्फा का मान क्या है दोस्तों, देखते हैं अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए, क्या हो जाएगा दोस्तों, सी अपॉन ए। LHS लेते हैं अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का मान क्या है दोस्तों, देखिए यहां पर अभी निकाला था हमने माइनस 1 गुणा बीटा का मान क्या है, 4/3, तो क्या हो जाएगा, पूरा गुणा हो के माइनस के 4/3। RHS लेकर चल रहा हूं दोस्तों मैं, RHS में क्या है देखिए, सी अपॉन ए, तो सी का मान देखिए दोस्तों यहां क्या रहा है, माइनस के 4, और ए का मान क्या रहा है, वही देखिए दोस्तों, ए का मान क्या रहा है, 3, तो क्या आ जाएगा, 4/3। देखिए दोस्तों हमारा समीकरण क्या हुआ, सत्य हुआ। ये था किसमें, पहले प्रश्न में 3.1 में शून्यांकों की क्या जांच करना और शून्यांक याद करना। अब दूसरे प्रश्न में देर का है दोस्तों, क्या बहुपद के शून्यांक दिए हैं, शून्यांक देकर आपको बहुपद पूछा है, दूसरे में क्या है उल्टा दे दिया कि शून्यांक इसमें याद करने थे, इसमें दिए हुए हैं, जैसे आपके पास दिया हुआ है। दूसरे प्रश्न की बात करूं मैं, दूसरे का पहला ही ले रहा हूं, देर का है माइनस के 3 और 2, क्या है, शून्यांक है, यानी कि अल्फा बराबर माइनस 3 और बीटा बराबर क्या है, 2 है। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसको सिद्ध करने के लिए हमें यह दिया था कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमने पढ़ा था माइनस बी अपॉन ए। ठीक है दोस्तों, ये हमें निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा, बीटा को जोड़ता हूं तो माइनस के 3 प्लस 2, ये मान किसके बराबर होगा, माइनस बी अपॉन ए के बराबर होगा, तो जोड़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1, देखिए दोस्तों ये माइनस के 3 है, ये प्लस के 2 है, तो क्या बचा, माइनस का 1 बराबर माइनस का बी अपॉन ए, माइनस से क्या हो गया, माइनस कैंसिल, तो इसके नीचे मैं 1 मान सकता हूं, इसका मतलब बी बराबर क्या हो गया दोस्तों, 1, और ए बराबर भी क्या हो गया, 1। ठीक है, दूसरा हम लिखते हैं संबंध क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी अपॉन ए, अल्फा का मान क्या है दोस्तों, माइनस 3, और बीटा का मान क्या है, 2, बराबर सी अपॉन ए निकालना है हमें। बोलो दोस्तों 3 दुनी 6, माइनस के 6/6 क्या मान लेता हूं, 1, सी 1/6।
तो सी बराबर क्या हो गया दोस्तों, 6 माइनस के, और ए बराबर क्या हो गया दोस्तों, प्लस का 1। इसका मतलब ए प्लस का 1 यहाँ है, इसका मतलब दोनों सही है। हमें क्या लिखना है, द्विघात समीकरण क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या होता है, जीरो। बराबर देखो ए का मान क्या है, एक है, तो एक एक्स स्क्वायर प्लस बी का मान क्या है दोस्तों, एक ही है, तो एक एक्स प्लस सी का मान क्या है दोस्तों, माइनस छह सी। तो क्या हो जाएगा, एक से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस छह। ये क्या हो गया दोस्तों, ये एक बहुपद हो गया, पहला बहुपद जो हमने याद करना था, एक्स स्क्वायर प्लस तीन एक्स प्लस दो। एक और देखते हैं, जैसे इसी का दे रखा है चार नंबर क्वेश्चन, क्या नंबर बताऊं दोस्तों, क्योंकि उसमें एक अंडर रूट का मान दे रखा है, तो पहले वही बता दो आपको, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। थोड़ा हार्ड रूप लेते हैं इसका, जैसे आपके दे रखा है चार नंबर में जीरो और अंडर रूट के पांच, ठीक है दोस्तों। एल्फा प्लस बीटा, सबसे पहले लिखते हैं एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। एल्फा का मान क्या है, जीरो प्लस बीटा का मान है अंडर रूट पांच बराबर माइनस के बी अपॉन ए। इसका मतलब जीरो में अंडर रूट पांच जोड़ेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट पांच बराबर माइनस बी अपॉन ए। नीचे क्या मान लेता हूं दोस्तों, एक मान लेता हूं, तो बी का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखो दोस्तों, इस माइनस को पक्षांतरण करवाता हूं तो बी अपॉन ए बराबर माइनस का चिन्ह इसके आगे लग जाएगा, अंडर रूट माइनस के अंडर रूट पांच बटे हुए ए। एक तो क्या हो जाएगा, बी का मान माइनस के अंडर रूट पांच और ए का मान दोस्तों क्या होगा, एक। पहला लिखा, दूसरा संबंध लिखते हैं एल्फा इंटू एल्फा इंटू बीटा, क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका होता है सी अपॉन ए। एल्फा का मान क्या है, जीरो गुणा बीटा का मान क्या है दोस्तों, अंडर रूट पांच बराबर सी अपॉन ए। देखो जीरो से गुणा करते हैं तो होता है जीरो बटे हुए एक रख लेता हूं सी अपॉन ए। इसका मतलब सी बराबर जीरो और ए बराबर क्या आ गया, एक। द्विघात समीकरण लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, ये होना चाहिए बहुपद, द्विघात बहुपद। बोलो एक का मान क्या है, दोनों में देख लो एक ही आ रहा है, इसका मतलब एक एक्स स्क्वायर प्लस बी का मान क्या आया है दोस्तों, माइनस के अंडर रूट पांच गुणा क्या आ रहा है, एक्स प्लस सी का मान क्या आ रहा है दोस्तों, जीरो बरा। ये आ गया, गुणा करवाते हैं तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये प्लस माइनस गुणा होकर क्या हो गया, माइनस माइनस के अंडर रूट पांच एक्स प्लस जीरो। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये क्या हो गया, ये बहुपद हो गया, पिछले वाले में यही बहुपद निकाले थे। ऐसे हमें इसमें क्या याद करना था दोस्तों, बहुपद याद करना था, ठीक है दोस्तों। एक प्रश्न और दे रखा है आपके, तीसरा प्रश्न की इसी का 3.1 का थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तो उसको मैं बता देता हूँ दोस्तों की आपको प्रॉब्लम न हो, ठीक है, इसको मैं रख कर रहा हूं दोस्तों। तीसरे प्रश्न में क्या दे रखा है आपके, देखना, यदि द्विघात समीकरण fx बराबर क्या दे रखा है, x स्क्वायर माइनस आठ एक्स प्लस के, क्या दे रखा है, के शून्यांकों के वर्गों का योग, वर्गों का योग क्या हो दोस्तों, वर्गों का योग क्या हो, 40 हो, शून्यांकों के वर्गों का योग 40 हो, तो k का मान क्या करो, याद करो, यानी कि किसका मान याद करना है, k का मान हमें याद करना है, ठीक है दोस्तों। ये दे रखा है आपकी बुक में, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों इसको कैसे हल करते हैं, हमें क्या दे रखा है, शून्यांक दे रखे। सबसे पहले मैं एल्फा शून्यांकों के मान दे रखे, तो एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, और एल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, देखना क्या होता है, सी अपॉन ए, ठीक है दोस्तों। माइनस बी का मान रखू मैं, तो माइनस बी का मान क्या है दोस्तों, माइनस के आठ, तो माइनस कोष्टक माइनस आठ बटे हुए ए का मान क्या है, एक, ठीक है। तो ये हो गया आठ बटे हुए एक, ये क्या आ गया, एल्फा प्लस बीटा, ये क्या आ गया, एल्फा प्लस बीटा, यानी कि एल्फा प्लस बीटा का मान क्या आ गया, आठ आ गया दोस्तों, क्या आ गया, आठ आ गया, यानी कि एल्फा, यहां लिख रहा हूं मैं एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आठ, इसको समीकरण नंबर एक मान लो। ऐसे ही एल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, सी का मान क्या है दोस्तों, के बटे हुए ए का मान क्या है दोस्तों, यहां देखो एक्स स्क्वायर की घात क्या है, एक, तो क्या हो जाएगा, के हो जाएगा मान, तो क्या लिखेंगे हम, एल्फा इंटू बीटा का मान क्या जाएगा दोस्तों, के, समीकरण नंबर दो। हमें क्या है फाइंड करना है, इनका मान फाइंड करना है जब इनका वर्गों का योग, इसका मतलब प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कह रहा है, अब प्रश्न की सुनो दोस्तों फिर से जाकर, प्रश्नानुसार ये कह रहा है कि शून्यांकों के वर्गों का योग 40 है, यानी कि मैं एल्फा प्लस बीटा का वर्ग कर दूं तो इसका मान किसके बराबर होना चाहिए, 40 के बराबर होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। याद कर रहा हूं मैं योग, तो यहां देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सरल संख्या लगाते हैं, कौन सी सरल संख्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस
टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये सर्वसमिका होती है, वो सर्वसमिका लगाते हैं। तो ए स्क्वायर इसका मतलब एल्फा स्क्वायर प्लस टू ए बी दो गुणा, दोस्तों कोष्ठक लिख रहा हूं, एल्फा इंटू बीटा, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, इसका मतलब किसका, बीटा का स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, ये योग ये हो जाएगा किसका, वर्गों इसके योग के बराबर, ठीक है दोस्तों, ये बराबर, इसका मान निकालना है हमें इससे, इसको 40 के बराबर मत करो इसको दोस्तों, एक बार ऐसे ही करते हैं ताकि इसका मान निकल जाए, के का मान निकालना है हमें, हम रखते हैं मान किसका, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका मान कितना हो जाएगा दोस्तों, वर्गों का योग है तो एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना है दोस्तों, ये तो ये इसके साथ आ गया प्लस दो गुणा एल्फा इंटू बीटा, ठीक है दोस्तों, इसका मान क्या हो गया, यहां लिख रहा हूं मैं दोस्तों, एल्फा प्लस एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, तो इनके शून्यांकों के वर्गों का योग दे रखा है, तो ये तो हो गया 40 प्लस दो गुणा एल्फा इंटू बीटा, एल्फा इंटू बीटा का मान क्या है दोस्तों, के है, ठीक है दोस्तों, ये दिया हुआ है हमें, ये क्या लिखा था हमने, किसके बराबर लिखा था इसको, हमारी सर्वसमिका एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये हमें किसके बराबर है, ये किसके बराबर चल रहा है, एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इसका मतलब एल्फा प्लस बीटा का मान कितना था, 8 का होल स्क्वायर के बराबर चल रहा है, तो ये किसके बराबर चल रहा है दोस्तों, 8 के होल स्क्वायर के बराबर चल रहा है, ये देखिए दोस्तों क्या हो गया, 8 का होल 40 प्लस 2 के बराबर क्या हो गया, 8 का होल स्क्वायर कितना होता है 64, तो 2 के बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 64 माइनस 40, तो के का मान क्या हो जाएगा, 64 में से 40 कम करेंगे तो 24 बटे हुए 2, इसका मतलब दोस्तों कितना आ गया, 12 मान आ गया, यानी कि के का मान दोस्तों क्या होगा, 12 होगा, उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, फिर से समझा रहा हूं मैं, उसने क्या कहा, एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस, ये हमें पता है कि शून्यांकों का ये संबंध होता है हमारे पास गुणांकों और शून्यांकों के बीच, तो इस संबंध से हमने निकाला एल्फा प्लस बीटा बराबर 8 और एल्फा इंटू बीटा बराबर क्या निकाला, के, हम रखते हैं एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये सर्वसमिका लगाते हैं, इसका मान किसके बराबर होगा बोलो, 8 के होल स्क्वायर के बराबर, क्योंकि ये किसके बराबर है देखो, एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर 8 के, लेकिन इसको हम तोड़ते हैं किसमें, लंबी सर्वसमिका में, यानी कि एल्फा स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसका मतलब इसको तोड़ा तो एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना दिया था हमारे पास, 40, क्योंकि वर्गों का योग कितना दिया हुआ है, 40 प्लस 2 गुणा एल्फा इंटू बीटा, एल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, के, तो क्या हो गया, 2 के हो गया दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों 2 के बराबर 64 माइनस 40, 40 का पक्षांतर करवाया तो के बराबर क्या हो गया, 64 में से 40 कम करते 24, 24 में 2 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 12 दोस्तों, उम्मीद करता हूं 3.1 आपको जरूर समझ में आई होगी दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए, जो भी कोई प्रॉब्लम है दोस्तों उसका कमेंट में लिख कर दीजिए, मैं जरूर जवाब दूंगा, कोई समझ में नहीं आया हो पिछली 2 प्रश्नावलियों में, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।